हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये बाली बनाने जा रहे हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का बाली है, जैसे नॉर्मल ओवल टाइप शेप का बाली बनाते हैं उस टाइप का नहीं है। पहले मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ। 18-20 mm में इसको लेते हैं बाली का साइज। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। नॉर्मली बाली ना फ्रंट व्यू में बनता है, तो मैं टॉप व्यू में बनाता हूँ, मुझे ईजी लगता है। तो आपको जो व्यू में बनाना ईजी लगेगा आप उसी व्यू में बनाओ। मैं क्या करूँगा, इसका आउटर नहीं लूँगा। ये क्या है, पाइप टाइप है, राउंड है, तो मैं इसका मिड से एक 2D ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, ये ऊपर रहता है, इसके बाद ये राइट साइड वाला नीचे रहता है। तो मैं दिखा देता हूँ आप कैसे बनता है। टूटी को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा, ये थोड़ा नीचे के साइड। ठीक है, भाई मैं जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो मैं सेंटर में रखा है, बाकी ऊपर नीचे अप डाउन ये वाला जो लाइन है ना, इसको मैं स्ट्रेट रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका जो पॉइंटेड वाला पार्ट है ना, मैं उसको काटना पड़ेगा पूरा मेटल को, इसलिए मैं स्ट्रेट रख रहा हूँ अभी। बाद में मैं इसको रोटेट कर दूंगा, जब मेटल मेरा पूरा रेडी हो जाएगा तभी तो मैं केज एडिट से उसको रोटेट कर लूँगा। ठीक है, ये मेरा 2D बन गया। अभी मुझे इसको ये वाला पार्ट पूरा मुझे नीचे लेना है। मैं दिखा देता हूँ इसको शेप कैसा रहेगा आपका। इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है। ये पार्ट थोड़ा नीचे रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ इंसर्ट नोट करके, ये प्लस वाला जो कमांड है। ठीक है, मुझे राइट साइड में ऊपर भी पॉइंट्स ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक बार पाइप मार के देख लेता हूँ। 2.2 का थिकनेस दूंगा, तो रेडियस में 1.1 का देना है हमें। ठीक है, ये इस टाइप का रहेगा बाली। मुझे और थोड़ा कार्व स्मूथ करना पड़ेगा। पांच एम एम का ये कान का गैप ले रहा हूं मैं, ये यहाँ पे कान रहेगा। तो मैं और थोड़ा कार्व को थोड़ा फुगा देता हूँ, इससे गैपिंग और थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट सेट करते हैं। इसका मेन चीज क्या है, आपको कार्व को मॉड्यूलेशन देना ही मेन चीज है, कि मेटल में आपका कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। पॉइंट्स अप डाउन करते टाइम देखना कि टॉप चेंज ना होए।
इसलिए मैं पॉइंट्स को ना साइड व्यू से स्ट्रेट ले रहा हूँ, ताकि स्ट्रेट नीचे ले रहा हूँ ताकि अपना टॉप का पार्ट चेंज ना हो। मैं अभी क्या करूँगा, ये जो बटन है ये बना लेता हूँ, जो राउंड वाला मेटल है इसको 5 mm का मेटल लिया मैंने, उसको थिकनेस 1.1 mm तक दे सकते हो आप। ठीक है, अभी इसका ये वाला पार्ट देखोगे ना एकदम कट टू कट नहीं है, जहाँ पे पाइप ज्वाइन होता है ना वो कट टू कट नहीं है, थोड़ा सा कर्वेचर है, तो उसको भी हम थोड़ा एक कर्वेचर वाला मेटल दे देंगे उसमें। ये वाला पार्ट को थोड़ा बाहर लेते हैं क्योंकि तो पाइप में मर्ज हो रहा है वो। थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं, ये वाला पार्ट का बोल रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा कर्वेचर है मेटल उसका, तो पॉइंट को थोड़ा सा बाहर और लेना है, फिर मैं रिवॉल्व कर दूंगा। इसलिए मैं ये वाला पार्ट सेंटर में रखा है ताकि मुझे इजी रहे बनाने में, रिवॉल्व वगैरह करने में। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं कर्व को, और ये कॉर्नर वाला और थोड़ा राउंडिश कर देते हैं। ठीक है, एक बार रिवॉल्व करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है मेटल। ठीक है, इसको और थोड़ा बाहर लेते हैं पॉइंट्स। ठीक है, अभी इसको मैं रिवॉल्व कर देता हूँ। ये सरफेस बना तो इसको मुझे कैप बनाना, कैप लेना है, तो अभी सॉलिड होगा। ठीक है, ये पार्ट को मैं ग्लू कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा सेव रहेगा आपका बाली का। ये जो मैंने रेक्टेंगल स्क्वायर दिया है, यहाँ पे आपका कान का पोजीशन है वो। मैं पॉइंट को और थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ, टॉप भी चेक कर लेना बनाते बनाते, क्योंकि टॉप चेंज ना हो। ठीक है, मैं पाइप कर लेता हूँ, 2.2 का पाइप। ठीक है, अभी मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उससे मेटल को मैं काट देता हूँ। ये आ गया, दो अलग अलग पार्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, लॉक करना है, लॉक बनाना है, और यहाँ पे कटआउट है, चार कटआउट है, तो ये भी मुझे बनाना है। तो मैं इधर आइसो कर्व ले लेता हूँ इक्वल गैप पे, ये पूरा कट नहीं है वो हाफ कट है, तो मैं आइसो कर्व और एक ले लेता हूँ, डायरेक्शन यू देता हूँ, यू और टी है आपका डायरेक्शन चेंज होता है। आइसो कर्व और थोड़ा नीचे देते हैं। ठीक है, अभी मेरा कर्व आ गया, अभी जो सर्कल वाला कर्व है चार लिया था उसको, ये तो कर्व से मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट रखते हैं, नीचे वाला पार्ट का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करूँगा, पाइप कर देता हूँ, रिबिल्ड कर लेता हूँ, पहले पाइप कर लेते हैं। कैप को इसको फ्लैट नहीं रखना है, कैप को मैं राउंड कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ स्केल करके, थोड़ा सा टेपर कर देता हूँ अनडी स्केल करके। ठीक है, ये पार्ट हो गया, इसको मुझे क्या करना है, बुलियन डिफरेंस करना है, जो ग्रीन वाला मेटल है उसको मुझे बुलियन डिफरेंस करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट का इम्प्रेशन आ गया,
अभी मेरा दो ही काम बाकी है, एक लॉक बनाना है, दूसरा ये वाला पार्ट पॉइंटेड करना है। तो ये पॉइंटेड वाला कैसे करेंगे, मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ टॉप से, ये लाइन लिया, इसको मैं क्या करूँगा रिवॉल्व करूँगा, तो कटर आ जाएगा मेरा। ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर लेते हैं, इसको मैं रिवॉल्व करूंगा, इसका जो बीच में जो लाइन था ना उसको पकड़ के रिवॉल्व करूंगा टॉप से, स्ट्रेट खींच के रिवॉल्व करूंगा। ये मेरा कटर आ गया, अब इससे मुझे बुलियन डिफरेंस करना है। ठीक है, ये मेरा पाइप बन गया, अभी इसको मैं बेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं है, तो इसको हम बेंड भी कर सकते हैं बाद में केज एडिट करके। ठीक है, अभी इसका मुझे लॉक बनाना है, तो मैं 2.2 का लेता, तो मैं 0.7 का एक सर्किल ले लेता हूँ, 0.7 का सर्किल, इसका सेंटर में एक पॉइंट, इसको ऑफसेट 1 mm का ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला कर्व का भी क्या करूँगा, मैं एक्सट्रूड करूँगा बोथ साइड, उसको पहले सेंटर में ले लेता हूँ पाइप के, उसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। अभी पाइप को क्या करूँगा, इससे बुलियन डिफरेंस करना है, बुलियन स्प्लिट करना है आपको, सेंटर वाला ड्रिल को डिलीट करते हैं। अब इसको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो पहले एक लाइन खींच लेते हैं, इसको डिवाइड किया 3 पॉइंट्स में, ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो दो पार्ट दो साइड का रहेगा, ये टॉप पार्ट के साथ रहेगा, ये वाला पार्ट के साथ रहेगा दो पार्ट, और नीचे के साथ, नीचे वाला पार्ट के साथ सिंगल पार्ट रहेगा, ये सिंगल पार्ट है, ये पूरा एक ही पार्ट बनेगा। अभी इसको मैं थोड़ा बेंड कर देता हूँ, केज एडिट लिया, 6 पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये पार्ट को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा बन गया, ये एक पार्ट हो गया, और नीचे वाला पार्ट, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये एक पार्ट बन गया, इसको भी अलग कलर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ड्रिल करना है, तो मैं जो लाइन का पाइप खींचा था उसको मैं कॉपी करके स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट पॉइंट से स्प्लिट कर लेते हैं, बाकी का 2D जरूरत नहीं है, उसको मैं 1 mm का पाइप दे देता हूँ। अब इससे मुझे ड्रिल करना है, ठीक है, ये वाली बन गया, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, इसका एक मिरर ले लेते हैं, ये कॉपी नहीं होगा, मिरर है दोनों वाली, ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का बाली है, इसलिए मैं बोला एक बना के दिखा दूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।